फ्रेंड्स, लड़ाइयों के मैदान में दुश्मन की सेना पर बमबारी करने के लिए जमीन पर चलती फिरती एक बड़ी मशीन को टैंक कहते हैं। यह लोहे की मोटी चादरों से बनी होती है। इसमें एक तोप लगी होती है जो गोला छोड़ने का काम करती है। उसमें बहुत से पहिए होते हैं जो जंजीरों से ढके होते हैं। इनकी सहायता से टैंक टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी तेज स्पीड से चल सकता है। इसको चलाने और गोलाबारी का काम करने के लिए बहुत से सैनिकों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि टैंक का विकास कैसे हुआ? फ्रेंड्स, शुरू में मनुष्य घोड़ों द्वारा चलने वाले रथों पर बैठकर दुश्मन से युद्ध करता था। लड़ाई के मैदान में चलती फिरती गाड़ियों का यूज ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले असीरिया के लोगों ने किया था और भाप से चलने वाली सबसे पहली लड़ाकू गाड़ी का पेटेंट सन 1855 में इंग्लैंड के जेकोवा ने प्राप्त किया। लेकिन रियल में टैंकों के विकास की शुरुआत 1900 के बाद ही हुई। इसका कारण यह था कि इस समय तक मोटर गाड़ियों का विकास बहुत हो चुका था। फ्रेंड्स, सबसे पहला टैंक सन 1900 में इंग्लैंड की जॉन फाउलर एंड कंपनी ने बनाया। यह टैंक भाप से चलता था। फ्रेंड्स, टैंकों का तेजी से विकास प्रथम महायुद्ध के दौरान हुआ। सन 1914 में विश्व के कई देश, विशेष रूप से बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन टैंकों के विकास में लगे हुए थे। सन 1915 में फोस्टर कंपनी ने लिटिल विली नाम का एक छोटा सा टैंक बनाया। फ्रेंड्स, 1916 में इसके विकसित रूप को बिग विली का नाम दे दिया गया। सन 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उस समय तक कई देश बहुत सारे टैंक बना चुके थे। उस समय तक फ्रांस लगभग 3870 और ब्रिटेन 2636 टैंक बना चुका था। इन टैंकों में नए टैंक जैसी लगभग सभी सुविधाएं थी। इसके बाद कई प्रकार के टैंक बनने लगे और दूसरे महायुद्ध तक टैंकों में बहुत से सुधार हो गए थे। उनकी स्पीड बढ़कर 45 मील प्रति घंटा तक हो गई थी। सन 1939 और 1944 के बीच जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और जापान में लाखों की संख्या में टैंक बनाए जा चुके थे। इन टैंकों का युद्ध दूसरे महायुद्ध में हुआ और टाइम के साथ ही जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई, वैसे ही टैंकों का नया रूप आता गया। फ्रेंड्स, सन 1950 में रूस ने एक टैंक बनाया जो 56 टन का था। इस पर 122 ml व्यास वाली टोप लगी थी। इसके कवच की मोटाई 10 इंच थी। यह 600 हॉर्स पावर के इंजन से चलता था। अब तो इस तरह के टैंक दुनिया के कई छोटे छोटे देशों में भी बनने लगे हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में टैंकों का निर्माण अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ था। पूरी भारतीय जानकारी के आधार पर टैंक का निर्माण का काम आजादी के बाद ही शुरू हुआ। पूरी तरह भारत में बनने वाला पहला टैंक विजय तथा जो 1971 के इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में यूज किया गया था।